Assalamualaikum, welcome to GFX Mentor. मैं आपका टीचर इमरान. एक सवाल मुझसे बहुत ज्यादा किया जा रहा है बहुत दिनों से बहुत सारे लोगों को पता होगा उसका जवाब, लेकिन सवाल यह है कि वेक्टर और रास्टर क्या है, क्या डिफरेंस है. तो मैंने कुछ सोचा कि यार आज चलो बता ही देते हैं कि क्या डिफरेंस है. दूसरी बात, कौन सी फाइल्स वेक्टर होती हैं, कौन सी फाइल्स रास्टर होती हैं, सब कुछ थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी से बताऊंगा. छोटी सी क्लास रखूंगा, लेकिन आज की क्लास में कुछ बना के नहीं दिखाऊंगा, कोई इमेजेस नहीं दिखाऊंगा. मैं सिर्फ आपको बोर्ड पर समझाना चाह रहा हूं. तो आइए शुरू करते हैं. ऑलराइट, वेलकम बैक. सो ये है हमारा बोर्ड आज का, और आई होप आप लोगों को ये मेरा ब्लैक बोर्ड या ब्लू बोर्ड या जो भी आप इसको समझें ये अच्छा लग रहा होगा. बहरहाल समझ लें, आज आप क्लास में बैठे हैं और मैं ब्लैक बोर्ड पर आप लोगों को कोई चीज समझाने लगा हूं. सो टॉपिक हमारा यही है, वेक्टर वर्सेस रास्टर. सवाल तो बहुत ज्यादा आसान है, बहुत सारे लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा कि वेक्टर क्या होते हैं, जो कि पिक्सेलेट नहीं होते. मतलब ये वो हैं जो पिक्सेल नहीं होते, मतलब पिक्सेल बेस्ड नहीं होते, राइट. और ये वाले जो हैं ये आपके पिक्सेल बेस्ड होते हैं, राइट. अब व्हाट एग्जैक्टली इज पिक्सेल, तो मैं जरा इस सब को हटा दूं यहां से. सबसे पहले मैं समझाना चाहूंगा पिक्सेल क्या चीज है. देखें, आपकी स्क्रीन जो भी है, आप इस वक्त जो ये वीडियो भी देख रहे हैं, आप किसी ना किसी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और वो स्क्रीन क्या चीज से बनी हुई है, वो एक छोटे छोटे से बॉक्सेस होते हैं पिक्सेल्स, राइट. अब ये पिक्सेल्स समझ लें कि छोटी छोटी सी लाइट्स हैं, और इन बॉक्सेस में कलर्स होते हैं, राइट. अब इन कलर्स के जो फॉर्मेशन है, याद रखिएगा कि डेफिनेटली आप वेक्टर इमेज देखें या रास्टर इमेज देखें, आप देखेंगे इसी पिक्सेल्स पे, ठीक है. सिर्फ ये दिमाग में रखें कि वेक्टर जो है वो आपका पिक्सेल्स पे डिपेंड नहीं करता. अच्छा, क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों ने इलस्ट्रेटर की ट्रेनिंग याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जो वेक्टर ड्राइंग्स हैं वो तमाम की तमाम लाइन सेगमेंट्स पे काम कर रही होती है. सो ये आपकी सिंपल सी एक लाइन है और ये आपके एंकर पॉइंट्स हैं, राइट. ऑलराइट, नाउ ये समझ लें कि ज्योमेट्रिकली कैलकुलेटेड होती है, और ये समझ लें जस्ट लाइक जैसे एक इलास्टिक या रबर बैंड होता है, उस तरह की ये लाइंस होती हैं, ठीक है. अच्छा, आप जो भी ग्राफिक्स देखते हैं वो होती क्या है, वो होती हैं बेसिकली कलर्स, ठीक है. और कलर्स या तो आपके पिक्सल्स पे होंगे, राइट, और जो आपके पिक्सल्स पे होंगे वही आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे होंगे. लेकिन वेक्टर ग्राफिक्स की खास बात यह है कि उसके अंदर कलर्स जो है वो इन लाइंस के अंदर होता है. सो फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक छोटा सा लीफ मैंने बनाया हुआ है, राइट. अब अज्यूम कर लें कि जी यहां 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 और यहां पर इसके एंकर पॉइंट्स हैं, ठीक. ये एक अपनी इटसेल्फ एक आउटलाइन है, और लेट सपोज इसके अंदर हमने कलर भर के रखा हुआ है ग्रीन, ठीक. मैं जरा गंदगी से समझ लें, अब जाहिर बोर्ड पर बता रहा हूं तो ऐसे ही होगा. ऑलराइट, सो हमारे इस लीफ के अंदर ग्रीन कलर मौजूद है, और जब कभी मुझे ये होता है कि लाइक मैं इस लीफ का साइज बड़ा कर दूं, लेट से मैं इस साइज इस लीफ को तकरीबन इतना बड़ा करता हूं, ठीक है. और इसमें अब होगा क्या, जब जैसे ही कोई चीज आप बड़ी करते हैं वेक्टर, तो ये जो अंदर का जो ग्रीन कलर है ये देख ही नहीं रहा था कि वो कितनी पिक्सल्स पर है, वो सिर्फ ये देखेगा कि मेरी आउटलाइन यहां तक जा चुकी है. तो डेफिनेटली इसकी आउटलाइन आपकी पूरे लीफ में आराम से यूं स्प्रेड हो जाएगी, रिगार्डलेस ऑफ के वो कितनी पिक्सल्स पर है, उसको कोई परवाह नहीं है उस ग्रीन कलर को कि वो कितनी पिक्सल्स पर है, वो सीधा सीधा जाकर के अपने आउटलाइन को फॉलो करते हुए उसके अंदर फैल जाएगा, राइट. सो ये है आपके वेक्टर इमेजेस, दैट्स व्हाई ये पिक्सेलेट नहीं होते, खराब नहीं होते, राइट. बस ये दिमाग में रखें, ज्योमेट्रिकली कैलकुलेटेड आउटलाइंस होती हैं जिसको हम पाथ कहते हैं इलस्ट्रेटर की जबान में, और वो उसके अंदर जो भी कलर हो, लाइक सॉलिड कलर भी हो सकता है, ग्रेडियंट भी हो सकता है, और वो सिर्फ डिपेंडेंट होता है अपनी उस आउटलाइन पे,
और जैसे मैंने पहले बताया कि ये आउटलाइन आपकी बिल्कुल वैसे है जैसे एक रबर बैंड होता है या इलास्टिक होता है, उसको आप जितना खींचो वो खींचता चला जाता है। सो जैसे ही हम उसको बड़ा करते हैं अंदर का कलर फॉलो करके वहां तक पहुंच जाता है, लिहाजा वो कलर इस चीज को देख ही नहीं रहा कि वो कितनी पिक्सल्स पर है, राइट। सो ये तो था आपका वेक्टर, या याद रखिएगा वेक्टर वो है जो कि लाइंस एंड कर्व्स पे डिपेंड करते हैं, लाइंस एंड कर्व्स पे डिपेंड करते हैं, मतलब पिक्सल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, राइट। नाउ ऑन दी अदर हैंड अगर हम रास्टर को देखें तो रास्टर बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पास पिक्सल्स होती हैं, राइट। सपोज ये समझ लें कि मेरे पास चार पिक्सल्स हैं, बहुत बड़े से इमेज का एक छोटा सा हिस्सा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि जिसमें सिर्फ चार पिक्सल्स है, राइट। अब चार पिक्सल्स में लेट्स अज्यूम कि इन दो पिक्सल्स में आपके पास रेड मौजूद है, राइट, और इन दो पिक्सल्स में आपके पास ब्लू मौजूद है। अब लेट्स अज्यूम हम इसको बड़ा कर देते हैं, बड़ा करने का मकसद है कि हम इसको डबल साइज कर देते हैं। सो डबल साइज करने में बेसिकली होता ही है कि 4x4, राइट, सो यानी 4 का एक्चुअली स्क्वायर, राइट। नाउ 4 का स्क्वायर का मतलब यहां पर ये 16 पिक्सल्स अब हो जाएंगी। सो चार यहां भी बढ़ेंगी, चार यहां भी बढ़ेंगी, चार यहां भी बढ़ेंगी, और सो ऑन। सो तकरीबन आपका इमेज इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब उसूलन होना तो ये चाहिए कि इन तमाम पिक्सल्स में रेड आ जाना चाहिए और इन तमाम पिक्सल्स में ब्लू आ जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। सो अब होता यह है कि जितने भी रास्टर प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें एक चीज कहलाती है रीसैम्पलिंग, राइट। सो लेट्स से ये है आपकी रीसैम्पलिंग, मतलब हम जब भी अपने इमेज को बड़ा या छोटा करते हैं ये टर्म कहलाती है रीसैम्पलिंग। और एक मेथड होता है जिसके थ्रू ये कलर स्प्रेड होता है, ये बिल्कुल ऐसे नहीं होगा कि जी यहाँ पे शुरू में रेड आ जाए इस सब में और यहाँ पे ब्लू आ जाए। होता ये है कि ये कलर यहाँ पे स्वैप कर रहा होता है, यूं आता है फिर यूं आता है, मतलब बिल्कुल उस तरह से कि जब आप पानी को कहीं बहाते हैं, राइट, और पानी धीरे धीरे फैलता हुआ जाता है आगे, तो डायरेक्टली बिल्कुल कमरे के एंड तक नहीं पहुंच जाएगा, वो थोड़ा सा टाइम लेगा और बीच में इम्प्योरिटीज यानी अगर आपके जमीन पर डस्ट वगैरह है तो वो भी साथ लेते हुए जा रहा होगा। सो आपने पानी भले से बहुत साफ डाला है लेकिन वो आगे जाते आते थोड़ा सा गंदा हो जाता है, राइट। सो सिमिलरली यहाँ पे ये इम्प्योरिटीज बीच में आना शुरू हो जाती है। अब ये आपका जो कलर्स हैं वो इस तरह से शिफ्ट करने लग जाते हैं। नाउ इस दौरान जो ये शिफ्टिंग हो रही है, राइट, इस शिफ्टिंग के दौरान कहीं कहीं पर यह होता है कि ये कलर और ये कलर आपस में मर्ज होना शुरू हो जाते हैं। सो दैट मींस के उसूलन यहां पे जो रेड आना चाहिए था एक्चुअली यहां पे पर्पल आना शुरू हो जाता है, राइट। सो पर्पल की वजह से आपको कुछ नया कलर दिखना शुरू हो जाता है। बहरहाल यहां पर डेफिनेटली रेड आएगा, रेड आएगा, यहां पर रेड आएगा, एंड सो ऑन। सो यहां पर आपके ब्लू 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 एंड ब्लू एंड ब्लू एंड सो ऑन, ठीक है। सो ये सारे ब्लू हो जाएंगे लेकिन इस जगह पर या इस जगह पर कहीं पर एक नया कलर आ जाएगा, पर्पल। अच्छा, ये पर्पल क्यों आया, याद रखिएगा ये जो कलर आगे जिस तरह से फैल रहा होता है ये एक मेथड होता है और इस मेथड को हम कहते हैं इंटरपोलेशन, राइट। नाउ इंटरपोलेशन क्या है, अब इसमें हमारे पास फोटोशॉप में डिफरेंट टाइप की है, बाइक्यूबिक है, बाइक्यूबिक लीनियर है, एंड बाइक्यूबिक शार्पर है, उसको हम जब फोटोशॉप में आएंगे तो वहां जरूर डिस्कस करेंगे, बट ये दिमाग में रखिएगा कि एक इंटरपोलेशन मेथड होता है जब आप इमेज को रिसाइज करते हैं। ना इस सबको और मजीद अच्छे से आपको समझाने के लिए मैं एक छोटी सी चीज आपके सामने कर रहा हूँ। ना अज्यूम करें कि मेरे पास कुछ कंटेनर्स या बीकर्स या ग्लासेस हैं, तकरीबन 6 ग्लासेस, राइट, और मैं जल्दी से बहुत गंदे गंदे से ग्लासेस या बीकर आप जो भी उखल लें वो बना रहा हूँ, एंड बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है हमें जल्दी से इस टॉपिक को ख़त्म करना है, राइट। सो ये हो गए हमारे 6 ग्लासेस। ऑलराइट, नाउ इमेजिन करें कि हमारे इस वाले ग्लास में रेड कलर मौजूद था, ठीक है, और इस वाले ग्लास में हमारे पास ब्लू कलर मौजूद था, राइट। अच्छा, अब सवाल मेरा ये है, बड़ी समझ लें कि एक तरह से रिडल है, एक पहेली है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि किसी तरह से हम इनको इस तरह से कलर को डिस्ट्रीब्यूट करें कि आखिर के जो तीन हैं इनमें आपके पास यानी इनमें आपके पास ब्लू कलर आ जाए और इनमें आपके पास रेड कलर आ जाए। अब
किस तरह से किया जा सकता है? एक बड़ा सिंपल सा तरीकेकार ये हो सकता है कि मैं इस ग्लास को उठाऊं, इसमें खाली करूं, इसमें खाली करूं, और ये वाला जो खाली ग्लास है इसको मैं उठा करके हटा दूं यहां से, और इसकी जगह पर ये वाला ग्लास यहां पर रख दूं। सो अब हमारे पास सिचुएशन क्या आ गई कि यहां पर रेड है, यहां पर ये वाला खाली ग्लास यहां पर आ चुका होगा, सही है, और ये वाला खाली ग्लास हमने इस जगह पर रख दिया होगा, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि जी आपके पास जगह चेंज करने की इजाजत नहीं है, सो अब कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो गई, बिकॉज मैं अब इस ग्लास की जगह चेंज नहीं कर सकता हूं, किसी भी ग्लास की जगह चेंज नहीं कर सकता हूं, दैट मींस कि अगर मैं इसको उठाऊंगा तो मैं मुझे वापस यहीं पे रखना है, राइट। सो लेट्स अज्यूम कि मैंने इसको उठाया, इसमें इसमें और इसमें थोड़ा थोड़ा सा ब्लू कलर फिल कर दिया। सो लेट्स सपोज मैंने यहां ब्लू डाल दिया, यहां ब्लू डाल दिया और यहां ब्लू डाल दिया, राइट। अब इसके अंदर से जाहिर है हमारे पास से ब्लू हट गया, ठीक है ना। इसमें से जब ब्लू हट गया, लेकिन एक बात याद रखिये, मैंने ये भी ग्लास धोया नहीं था, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैंने इस ग्लास को उठाया, इसमें डाला और थोड़ा सा इसमें डाला, तो अब हुआ ये कि जी इसमें तो रेड आ गया और इसमें रेड कम हो गया, और इसमें एक्चुअली जो मैंने ग्लास धोया नहीं था वो यहां पर एक नया कलर बन जाएगा, दैट इज पर्पल, सही है। सो ये एक नया कलर जो बन के आ जाता है, यही वजह होती है कि आपको इमेज थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। अब आप कभी ट्राई कीजिएगा कि अगर आपकी कोई बहुत छोटे साइज की तस्वीर है और आप उसको बड़ा करते हैं, राइट, जूम नहीं, इमेज साइज को बड़ा कर दें, मतलब फोटोशॉप में जाएं, इमेज साइज में जाएं, वहां से उसका इमेज साइज बड़ा कर दें, डेफिनेटली आपके बालों में या आपके किसी भी जगह पे जहां पे डार्क कलर्स हैं स्पेशली, वहां पे आपको कुछ ग्रीन या पर्पल दिखने लग जाएगा। और ये ग्रीन और पर्पल कहां से आया, ये वही वजह है कि जब आपका इमेज बड़ा हो रहा होता है और रीसैम्पलिंग हो रही होती है, उस दौरान इंटरपोलेशन मैथड क्या है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए कलर्स कुछ आपस में मिक्स हो जाते हैं, और जो कलर वहां पर नहीं होते हैं वो हमें प्रोमिनेंटली दिखते हैं। दैट्स व्हाई हमें दिखता है कि यार डब्बे डब्बे से बने हुए आ रहे हैं, बॉक्सेस से बने हुए आ रहे हैं। सो ये जो आर्टिफैक्ट्स आ रहे होते हैं, ये इसीलिए आ रहे होते हैं कि वो कलर वहां ऑलरेडी था ही नहीं, जब था ही नहीं और जब आ गया तो आपको डेफिनेटली डिफरेंस दिखता है, और बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है, तब हम कहते हैं कि जी इमेज हमारा पिक्सेलेट हो गया है। तो आई होप आप लोगों को ये छोटा सा जो एक्सप्लेनेशन थी वो समझ में आई होगी कि क्यों होता है ना। याद रखिएगा कि ये जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि ये सवाल वो था कि ये पिक्सेलेट होता है, ठीक है, फाइन, क्यों होता है, इसलिए होता है, ठीक। सो अब नेक्स्ट जो सवाल ये आता है कि हमारे पास वेक्टर और रास्टर फाइल फॉर्मेट्स कौन कौन से हैं। सो इसमें बड़े कॉमन सी चीजें हैं, मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ कि दी हमारे वेक्टर इमेजेस एंड रास्टर इमेजेस, राइट। ऑलराइट, सो वेक्टर में मोस्ट कॉमन आपका .ai फाइल और आपका EPS एंड आपका SVG और है आपके पास WMF और है आपके पास, ये मैं आप लोगों को याद रखिएगा मोस्ट कॉमन फाइल्स बता रहा हूं, और इसके अलावा फिर आपका CDR है, कॉरल ड्रॉ की फाइल, ये याद रखिएगा AI इलस्ट्रेटर की होती है, EPS इलस्ट्रेटर से भी बनती है, कॉरल ड्रॉ से भी बनती है, SVG स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स जो कि यूजुअली वेब के लिए यूज होती है, WMF आपकी माइक्रोसॉफ्ट का स्टैंडर्ड है जो कि अगर आपने MS ऑफिस में क्लिप आर्ट देखा हो तो ये वो सारी फाइल्स होती हैं जो कि WMF होती हैं, CDR इज कॉरल ड्रॉ, एक बहुत पुराना सॉफ्टवेयर होता था फ्री हैंड, उसकी FH के साथ कोई नंबर होता था जो कि उसका वर्जन नंबर होता था, राइट। ये अब थोड़ी सी ऑब्सोलीट हो गई है, ये हम इसको काउंट नहीं करेंगे बिकॉज फ्री हैंड बहुत साल पहले एडोबी ने बाय कर लिया था, बेसिकली फ्री हैंड जो बनाने वाली कंपनी थी दैट वाज मैक्रोमीडिया, मैक्रोमीडिया को एडोबी ने अक्वायर किया था, इसीलिए पहले मैक्रोमीडिया फ्लैश होता था, फिर अब मैक्रोमीडिया हटके एडोबी फ्लैश हो गया, फिर अब फ्लैश भी हट गया, एनिमेट हो गया, एंड उसी तरह से ड्रीम वीवर एक बड़ा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जो कि वो भी मैक्रोमीडिया का होता था और एडोबी ने ले लिया तो वो एडोबी ड्रीम वीवर हो गया, राइट। नाउ फ्री हैंड इन्होंने खत्म कर दिया, क्यों खत्म कर दिया, बिकॉज इलस्ट्रेटर को ज्यादा एम्पावर कर दिया, राइट। सो ये मोस्ट कॉमन से आपके जो वेक्टर फाइल फॉर्मेट्स हैं, रास्टर में सबसे ज्यादा जो आपने देखा है दैट इज JPG
JPEG. Now ये सारे फाइल के मतलब क्या है, हम कब सेव करेंगे, फिर किसी दिन इसको डिस्कस कर लेंगे. बस ये दिमाग में रखें कि ये आपके सारे रास्टर फॉर्मेट्स हैं. जेपैग हो गया, गिफ हो गया, या आपका बिटमैप हो गया, एंड आपकी इवन पीएसडी इज रास्टर. बट ये याद रखिएगा कि मैं इस पर स्टार लगा रहा हूँ, ये लेयर्स के साथ होती है. टिफ होती है आपकी एक फाइल फॉर्मेट, और एक होता है आपका टारगा. सो अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये कुछ मोस्ट कॉमन से हैं. और हाँ, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज पीएनजी, ये भी आपकी रास्टर ही हैं. अब कई मरतबा मुझसे स्टूडेंट्स ये सवाल कर रहे होते हैं कि सर वो हमने लोगो बनाया, उसकी हमने जेपैग सेव की, तो वो पिक्सेलेट हो रहा है. भाई पिक्सेलेट नहीं हो रहा, उसको 100% देखें. अगर उसमें भी पिक्सेलेट हो रहा है तो दैट मीन्स कि आपको उसका साइज बड़ा बनाना है. सो आप इलस्ट्रेटर में जो भी चीज़ बना रहे हैं उसको बड़ा करके, एंड देन फिर आप जेपैग या पीएनजी या जो भी आप फॉर्मेट में सेव करना चाह रहे हैं वो सेव कर लें, कोई मसला नहीं होगा. इसमें बहुत आसानी से आप इस चीज़ को टैकल कर सकेंगे. याद रखिएगा, वेक्टर फाइल फॉर्मेट्स जो हैं वो आपके ब्राउजर्स पे नहीं चलते हैं सिवाय एसवीजी के. सो आप जब भी इंटरनेट पर कोई तस्वीर देखते हैं तो वो मोस्टली रास्टर इमेज होता है, या तो जेपैग होगा या पीएनजी होगा या गिफ होगा, राइट. बट अगर आपको एसवीजी मिलती है तो वो आपको राइट क्लिक करके अंदाजा हो जाएगा कि जी एसवीजी है, राइट. सो आई होप आप लोगों को छोटी सी थ्योरी समझ में आई होगी, अच्छी भी लगी होगी, और अब आप लोगों का वेक्टर रास्टर का मसला खत्म हो चुका होगा. फिर भी अगर कुछ सवाल हो तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, पूछिएगा, मैं आपको डेफिनेटली जवाब दूंगा. साथ ही साथ मैं अब आपको ये बता दूं कि मैंने अब अपना स्नैपचैट यूज करना शुरू कर दिया है, और मेरा इरादा यह है कि बहुत सारे जो सवाल मुझे यूट्यूब पर पूछे जा रहे होते हैं या मैसेंजर के थ्रू पूछे जा रहे होते हैं, वो एक्चुअली बहुत कॉमन से सवाल जो होते हैं, तो उनके जवाब मैं अपने स्नैपचैट के थ्रू आप लोगों को डेली स्टोरीज के थ्रू देना चाह रहा हूँ. एंड फॉलो मी, ये मेरा स्नैप कोड आ रहा है, आप इससे मुझे ऐड कर सकते हैं स्नैपचैट पे, या मेरा हैंडल जो है IADINA1, वो आप उसके थ्रू आप मुझे ऐड कर सकते हैं स्नैपचैट पे. मैं स्टोरीज डाला करूँगा, ज़रूरी नहीं है कि सारे सवाल आती हों, मेरे डेली के जो मैं मेरी एक्टिविटीज़ हैं कुछ उसके बारे में भी मैं शेयर करूँगा. सो आई होप आप लोगों को बहुत सारे सवाल के जवाब वहाँ से भी मिल जाया करेंगे. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें. थैंक यू.